हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। आई एम लोकेंद्र सिंह पवार एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ पजल टेस्ट एंड दैट इज इंट्रोडक्शन फेज। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेनली हमारा इंट्रोडक्शन फेज रहने वाला है। न्यू चैप्टर है हमारा पजल टेस्ट, उससे रिलेटेड। ओके, आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कंडीशन से, कुछ सिचुएशनल कंडीशन जो हमने स्टडी किया उनसे रिलेटेड है, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं सारी चीज़ें, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC, NSC, JS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं सी आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत करें। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो आप। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे तो काफ़ी अच्छे से आप वाकई भाई थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.MSCTB06, क्लास 7 T.MSCTB07, क्लास 8 T.MSCTB08, क्लास 9 T.MSCTB009 एंड क्लास 10 T.MSCTB010। तो आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के आपको यहाँ पर 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं, फाउंडेशन से रिलेटेड, जो कि है फर्स्ट पैकेज स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, सेकंड पैकेज टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, और मैं लेकर आया हूं यहां पर आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज़ करना होगा, और आपका जो कूपन कोड है वो रहने वाला है LSLIVE, मतलब कि इस LSLIVE कूपन कोड के बिहाफ पर आप यहाँ पर 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LSLIVE कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LSLIVE कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, ज़बरदस्त, धमाकेदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज़ करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर कुछ पेमेंट की फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फ़ोन उठाना, इस नंबर पर कॉल करना, इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं वो कम्प्लीटली डाउट आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे।
तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं, आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन फेज ऑफ पजल टेस्ट, जो कि हमारे सामने है। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारा चैप्टर इसमें स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के बेस पर हम पजल्स देखेंगे, साथ में हम सीटिंग और अरेंजमेंट के बेस पर पजल्स फॉर्म देखेंगे, और कुछ सिचुएशनल कंडीशंस मिलेगी आपको, कुछ फैमिली पजल्स मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। ओके, अभी तक अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात करते हैं तो प्रीवियस चैप्टर में हमने ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया है, हमने सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये सारे जो अभी आपके चैप्टर्स हैं ना, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, तो आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। कुछ चीज़ें तो ऐसी रहेगी कि आप पहले ही सॉल्व कर दोगे इसमें। ओके, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ में हमारे प्रीरिक्विटीज़ क्या है यहाँ पर, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो ही रही है, नज़र आ रही है स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। यहाँ पर हम इसके इंट्रोडक्शन फेज में क्या देखते हैं, द सेक्शन इज एनालिटिकल रीजनिंग कंप्रेसेस क्वेश्चंस पुट इन द फॉर्म ऑफ पजल्स इन्वॉल्विंग सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स बिग ईच पर्सन और थिंग्स द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना, वो रीजनिंग की एक तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस के बेस पर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। आपको क्या करना है, उन कंडीशंस को पहले तो अच्छे से रीड करना है, और उन कंडीशंस के बेस पर आपको यहाँ पर कुछ या तो पर्सन से रिलेटेड कंडीशंस होगी या थिंग्स से रिलेटेड जो आपकी कंडीशन है वो रहने वाली है, और फिर उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर उसे जो क्वेश्चन गिवन होगा उसे सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पर भी हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर मेनली हमारे पास जो पजल टेस्ट के टाइप है ना, वो टोटल टाइप से सेवन। इन सब में हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास है जो टाइप, वो है क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सेकंड में सीटिंग प्लेसमेंट एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड, यहाँ पर आपको जो आपने सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस किए ना, एक तरह से उसी के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको कंपेरिजन टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में सिचुएशनल ऑर्डर थिंग्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर साथ में फिफ्थ पार्ट में सिलेक्शन बेस्ड कुछ आपको सिलेक्शन करने होंगे, उसके बेस पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर हमें यहाँ पर फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी, और फाइनली जंबल वर्ड प्रॉब्लम। इन सारी कंडीशंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस पजल टेस्ट के इंट्रोडक्शन फेज में। तो वन बाय वन हम इन सारे के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से आपको नोट करना है तो इसे नोट कर लो, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। पूरा काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है आपको, तो फटाफट से कर लो बेटा। हो गया नोट, चले आगे। चलिए तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस किस तरह के मिलने वाले हैं इन्हें देखते हैं, है ना। देखो यहां पर हमें गिवन है कि दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन विच सर्टेन आइटम्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स और पोजिंग डिफरेंट क्वालिटीज। मतलब कि यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड हो सकती हैं, डिफरेंट क्वालिटीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, और वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और उस डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, और 5 सब्जेक्ट्स में 10 स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है कि 2 बच्चों को ये पसंद है, 2 को ये पसंद है, उनमें से 1 को सिर्फ ये पसंद है, दूसरे को ये पसंद है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है ना। किसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन, और सब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स का भी क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो उनसे रिलेटेड आपको यहां पर क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर सबसे पहले यहां पर गिवन अलोंग विद सम क्लूज, यहां पर कुछ क्लूज हमें मिलने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हिच द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ग्रुप एंड एनालाइज द गिवन आइटम्स एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। मतलब कि यहाँ पर हमें कुछ क्लूज मिलने वाले हैं, कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी रहेगी कि हमें क्लियर पता होगा कि हाँ ये इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसके लिए इसे क्लासिफिकेशन किया गया है, इसके लिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस तरह के पार्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और वहाँ पर आपको उन कंडीशंस को पहले समझना है। अगर आपको एक बार उन क्लासिफिकेशन की कंडीशंस को समझ लिया ना, तो आपको किसी भी तरह का क्यों ना क्वेश्चन दे दिया जाए क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, काफ़ी ईजिली अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से इसे पहले नोट कर लो आप क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस को, फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर।
चलें आगे, हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है आपके पास सिटिंग प्लेसमेंट अरेंजमेंट। सिटिंग प्लेसिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यहाँ पर देखते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सम क्लूज रिगार्डिंग सिटिंग और प्लेसिंग सीक्वेंस, मतलब कि यहाँ पर आपको या तो लीनियर या सर्कुलर, या तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट दिया होगा या सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट दिया होगा, ठीक है। पर्संस का या आइटम्स का कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन हो पहले उन कंडीशंस को आपको सॉल्व करना है, और उन कंडीशंस को सॉल्व करने के बाद में हमें जो क्वेश्चंस गिवन है उनके हमें वन बाय वन आंसर देने हैं। ओके, या तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट होगा ना, तो या तो इस तरह से होगा लीनियर, किस तरह से होगा ये लीनियर, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और सर्कुलर फिटिंग अरेंजमेंट होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो सर्कुलर में तो काफी अच्छे से आपको पता है, सर्कुलर में क्या होता है कि अगर फेस इनसाइड में है, कहां पर है इनसाइड में, इस तरह से, जब फेस इनसाइड में है तो ये वाली जो साइड रहेगी ये हमारी लेफ्ट साइड रहेगी, और ये वाली साइड रहेगी ये राइट साइड रहेगी। लेकिन अगर फेस आउटसाइड में है तो ये साइड हमारी राइट साइड रहने वाली है और ये साइड हमारी लेफ्ट साइड रहने वाली है, जो कि हम सिटिंग अरेंजमेंट में काफ़ी इजीली अच्छे से समझ चुके हैं। तो फटाफट से इस पार्ट को भी अगर नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर क्या होने वाला है, कंपैरिजन होने वाला है। अब कंपैरिजन में मतलब आप समझ रहे हो ना, कंपैरिजन कब होता है, जब आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेम टाइप की चीज़ें दे देते हैं और कुछ वहाँ पर स्टूडेंट्स या पर्सन्स मान लीजिए या कुछ थिंग्स आपको दे दिया, अब आपको क्या करना है उनमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा गुड है, कौन सा एक्सीलेंट है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस में। तो ये तो बहुत ही ईजी फेस रहने वाला है, इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। तो इसका थ्योरी का तो आप कॉन्सेप्ट नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, और या स्क्रीनशॉट लेना है तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो प्रॉपर फॉर्म मिलेगी ना आपको, या तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग सिक्वेंस में मिलेगी, ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन के बारे में डिस्कशन किया जाने वाला है, कंपैरिजन जब हम करेंगे तो या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, इसी तरह का कुछ इसका पार्ट रहने वाला है। तो फटाफट से बेटा इसको भी नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशनल ऑर्डर और थिंग्स। सिचुएशनल ऑर्डर और थिंग्स में क्या रहने वाला है, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सम क्लूज आर गिवन, वही सेम कुछ क्लूज आपको यहाँ पर गिवन होंगे, मतलब कि कुछ थोड़े बहुत हिंट्स गिवन रहेंगे रिगार्डिंग द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पर क्लूज रहने वाले हैं वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले एनालिसिस करना है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका, और उसके बाद में फ्रेम द राइट सिक्वेंस एंड देन द आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। फिर आपको पहले उसका राइट सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और राइट सीक्वेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस क्वेश्चन का आपको वन बाय वन आंसर देना है। ओके फटाक से नोट कर लो इसे भी जल्दी से, क्योंकि हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गए ना तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, या सिचुएशनल कंडीशन से, या कंपेरिजन टाइप क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट है आपके पास सलेक्शन बेस्ड और गिवन कंडीशन। यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन से मीन है, यहाँ जो क्वेश्चन मिलेंगे वो फ्यू इनिशियल क्राइटेरियाज फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर कुछ इनिशियल क्राइटेरियाज रहने वाले हैं, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर इनिशियल क्राइटेरियाज रहने वाले हैं जहाँ पर आप सिलेक्शन करने वाले हो आइटम्स का, ठीक है। साथ में द गिवन कैंडिडेट्स हैज टू कीप दिस कंडीशन इन माइंड एंड मेक द रिक्वायर्ड सिलेक्शन। फिर हमें यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन होगी उन कंडीशंस के बेस पर हमें पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसे पूरा फुलफिल करना है, और उसके बाद में उन कंडीशंस के बेस पर ही हमें वन बाय वन सारे के आंसर देने हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए फटाफट से। फैमिली बेस्ड पजल, फैमिली बेस्ड पजल तो बहुत ही ईजी है ये, इसमें क्या रहने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर जो क्लूज गिवन होंगे ना वो किससे रिलेटेड होंगे, या तो रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट मेंबर से रिलेटेड रिलेशनशिप के बारे में, या फैमिली के बारे में, या प्रोफेशन के बारे में, या क्वालिटीज़ के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, ठीक है। इन सारी से रिलेटेड आपको यहाँ पर फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स गिवन होगी, और आपको इन कंडीशंस को, फैमिली बेस्ड जो कंडीशंस है आपको इन्हें तो काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि
फैमिली बेस्ड वाली जो कंडीशन है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी ब्लड रिलेशन के साथ साथ में एक तरह से सेम फेस होता है इनका भी। ओके, तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करना है, फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट है हमारे जंबल वर्ड, और वो जंबल वर्ड से रिलेटेड तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्ट गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, पहले इन इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, रीड करना है, ओके, फिर आपको आंसर देना है। वी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पहचानो कि कौन से टाइप से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप जब तक इन क्वेश्चंस की आइडेंटिटी नहीं फाइंड कर पाओगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व ठीक से नहीं कर पाओगे। तो पहले यहाँ पर चेक करो कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये रिलेटेड किससे है। ये क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड है। ओके, क्यों क्लासिफिकेशन की बात क्यों की गई है, देखो बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब कि बी और ई ड्रामेटिक और कंप्यूटर साइंस में क्या है, गुड है, ठीक है। ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर एंड साइंस एंड फिजिक्स, मतलब कि ए और बी जो है कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में गुड है। ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ए डी और सी जो है फिजिक्स में भी ठीक है और हिस्ट्री में भी ठीक है। सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सी और ए जो है वो गुड है किसमें, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, डी और ई गुड है हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, मतलब कि ये डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट पार्ट गिवन है हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, मतलब कि इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो कि आपका हिस्ट्री में भी गुड हो, ड्रामेटिक्स में भी गुड हो, और साथ में आपके पास जो फिजिक्स सब्जेक्ट है इन तीनों में ही काफ़ी अच्छा हो। तो फटाफट से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक टेबल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आ जाइए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। देखो यहाँ पर पहले देखो ए बी सी डी और ई, मतलब टोटल कितने पर्सेंट्स हैं, 5% है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हम इनके सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ड्रामेटिक्स, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, क्लियर। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको गिवन है यहाँ पर ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस हो गया फिजिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर हिस्ट्री, और एक और सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स, ठीक है, क्लियर है। ये सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ पर गिवन है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5% है, ठीक है, इन 5% की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन है ये बिल्कुल ध्यान से देखना इजीली और अच्छे से। ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये 5%। अब ए को देखो, सबसे पहले ए कहाँ है, ए यहाँ है। ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री, मतलब कि ए फिजिक्स में भी अच्छा है, ठीक है, डी भी फिजिक्स में भी अच्छा है, और सी मतलब कि ये और ये, ठीक है। एक बार हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपर, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इन चीजों को, ठीक है, क्लियर। चलिए ये तो हो गया क्लियर। सेकंड आओ यहां पर, यहां से देखते हैं बी एंड ई, बी और ई ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में गुड है। तो ड्रामेटिक्स कहाँ है, ये रहा, बी और ई इन दोनों में भी अच्छा है, और कंप्यूटर साइंस में भी, मतलब कि ये आपका कंप्यूटर साइंस, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ए और बी जो है कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स दोनों में अच्छे हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस ये हो गया, ठीक है, और फिजिक्स में तो ऑलरेडी है ही सही, फिजिक्स में बी भी अच्छा है और ए भी अच्छा है, तो ये लीजिए। ठीक है, बी भी अच्छा है और ए भी अच्छा है, ओके, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है ए डी और सी, फिजिक्स और हिस्ट्री इन दोनों में अच्छे हैं, कौन कौन, ए डी और सी, ए फिजिक्स और हिस्ट्री, मतलब कि फिजिक्स में अच्छा है, हिस्ट्री में भी अच्छा है, डी डी भी फिजिक्स और हिस्ट्री दोनों में अच्छा है, और सी सी फिजिक्स और हिस्ट्री इन दोनों में अच्छा है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स, सी और ए
मतलब कि ए हमारा मैथ्स में भी अच्छा है और फिजिक्स में भी अच्छा है, तो ये हो गया मैथ्स। सी भी देखिए, सी भी आपका फिजिक्स में भी अच्छा है और मैथ्स में भी अच्छा है, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, डी और ई, ये डी आपका गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, ये ड्रामेटिक्स में भी अच्छा है ये डी, और हिस्ट्री में भी अच्छा है, ठीक है। ई भी हिस्ट्री में भी अच्छा है और ड्रामेटिक्स में भी अच्छा है। अब आपके पास यहाँ पर आपको क्या मिलता है कि ये जो हमें सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ये सब्जेक्ट्स कैसे मिलते हैं, ये इनमें कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर क्रॉस देख पा रहे हो, ठीक है। क्रॉस से रियल मीन यहीं पर यही मिलने वाला है आपको। और बी बी मैथ्स में अच्छा है क्या, नहीं है, ये लो। अब यहाँ पर आपके सामने पूरा एक चार्ट रेडी हो गया है। अब इस चार्ट के बिहाफ पर आपको अपना आंसर्स देने हैं, ओके। तो फर्स्ट हमें बोला गया कि हु इज गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, फिजिक्स हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, इन तीनों में कौन अच्छा है। ऑप्शन देखो, ए बी सी डी और ई, ए बी सी नहीं है आपके पास, डी और ई है ओनली, ठीक है, ए बी और डी ई। देखो ए फिजिक्स में अच्छा है क्या, बिल्कुल है। सेकंड देखो, सेकंड सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, हिस्ट्री में भी अच्छा है और ड्रामेटिक्स में नहीं है, मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया, सीधी सी बात है, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये ड्रामेटिक्स में तो अच्छा ही नहीं। सेकंड पर आओ, सेकंड आपके पास कौन है यहाँ पर, बी, बी आपका ड्रामेटिक्स में भी अच्छा है, फिजिक्स में भी अच्छा है, ठीक है, और हिस्ट्री में, हिस्ट्री में अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक प्लेस है, मतलब कि यहाँ पर ये, तो बी भी आपका क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल हो गया। डी को चेक करो, डी, डी कहाँ है, ये रहा, डी ड्रामेटिक्स में अच्छा है, डी फिजिक्स में अच्छा है, डी हिस्ट्री में अच्छा है, मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं ई के लिए, ई हमारा ड्रामेटिक्स में अच्छा है लेकिन फिजिक्स में बैड है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ओके। फटाफट से आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज गुड इन फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स बट नॉट कंप्यूटर साइंस, इनमें से कौन फिजिक्स हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तो गुड है लेकिन कंप्यूटर साइंस में बैड है, तो फटाफट से देखो, फटाफट से फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स हिस्ट्री मैथमेटिक्स, इनमें तो क्या है, गुड, और कंप्यूटर साइंस में बैड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर फटाफट से देखो ऑप्शंस में ए बी सी और डी, ए बी सी डी गिवन है हमें। तो देखो सबसे पहले हम ए से चेक करते हैं, क्या ए आपका फिजिक्स में गुड है, बिल्कुल है, हिस्ट्री में गुड है, मैथमेटिक्स में गुड है, बिल्कुल है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में बैड है क्या, नहीं है, कंप्यूटर साइंस में भी वो गुड है, तो ए तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड आओ बी पर, बी आपका कंप्यूटर साइंस में गुड है तो ये भी कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए, जो कंप्यूटर साइंस में बैड हो। तो सी पर आते हैं, सी हमें नज़र आता है यहाँ पर कि ये है ना कंप्यूटर साइंस में बैड है, बाकी फिजिक्स हिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों में गुड है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन मिलने वाला है वो ऑप्शन सी मिलने वाला है। कहाँ है आपका ऑप्शन सी, ये रहा, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। आ गया समझ में, चलिए नेक्स्ट बताइए अब, हु इज गुड कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, इसमें कौन आपका गुड रहे, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर आपको गुड नजर आ रहा है, फटाफट से बताओ, कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स इसमें गुड। तो देखो यहाँ से हम देखते हैं ए ड्रामेटिक्स में फेल है, ठीक है, मतलब कि इसकी ड्रामेटिक्स तो क्या है, वीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल। बी पर आओ, बी का ड्रामेटिक्स ठीक है लेकिन कंप्यूटर साइंस वीक है, सॉरी कंप्यूटर साइंस भी इसका गुड है, फिजिक्स भी इसका गुड है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए हिस्ट्री, हिस्ट्री बी का वीक है, बी का हिस्ट्री वीक है, तो ए का ड्रामेटिक्स वीक है और बी का हिस्ट्री वीक है, ये दो तो कैंसिल हो गए। थर्ड पर चलिए, सी, सी का भी ड्रामेटिक्स वीक है तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम डी पर, डी का हमारा ड्रामेटिक्स स्ट्रांग है, फिजिक्स स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है सी का हमारे पास ड्रामेटिक्स
डी का, सॉरी डी का हमारे पास ड्रामेटिक्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंप्यूटर साइंस का है बैड है इसका, तो ये भी हो गया कैंसल। लास्ट कौन बचता है हमारे पास, ई। ई का ड्रामेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, कंप्यूटर साइंस स्ट्रॉन्ग है और हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है जिसमें ई रहेगा वो करेक्ट होगा। ई कहाँ है, डी में, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट आपके पास है हु इज गुड इन हिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, कौन इसमें गुड है, हिस्ट्री कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स और फिजिक्स इन चारों ही सब्जेक्ट में, फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं फटाफट। हिस्ट्री एच पी सी एम में कौन गुड है यहाँ पर आपके पास, फटाफट से बताओ एच पी सी एम और एम, मतलब कि ये हिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। अब इनमें मुझे बताओ कि कौन सा स्टूडेंट इनमें बिल्कुल गुड है। देखो ए कंप्यूटर साइंस में गुड है, फिजिक्स में गुड है, हिस्ट्री में गुड है, मैथमेटिक्स में गुड है, मतलब कि ए तो कहीं ना कहीं अपना लेवल बना के चल रहा है। बी को देखते हैं, बी हमारा हिस्ट्री में वीक हो गया तो कैंसिल हो गया। सी को देखते हैं, ड्रामेटिक्स हमारे काम का नहीं लेकिन कंप्यूटर साइंस में सी वीक है तो ये भी कैंसिल हो गया। डी के लिए कंप्यूटर साइंस डी के लिए भी वीक है, ई के लिए फिजिक्स वीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जिसमें होगा वही करेक्ट होगा, ए जहां ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। फटाफट से देखो, फटाफट से जल्दी से, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है ए, तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट देखो हु इज गुड इन फिजिक्स ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, पी डी सी में कौन कौन गुड है पी डी सी में, फटाफट से चलो आगे टेबल पर चलो। पी डी सी चलो यहाँ पर आ गए हम, पी डी सी सब्जेक्ट ले लो अपने चूज कर लो और मुझे बता दो आप पी डी और सी में, पी डी और सी एस इनमें कौन गुड है, फिजिक्स में कौन गुड है, फिजिक्स में ई को छोड़कर सभी गुड है, ठीक है चलो। डी ड्रामेटिक्स, ड्रामेटिक्स में आपका ए और सी ये भी कैंसिल हो गया, मतलब कि यहां से आपका ई कैंसिल हो गया और यहां से आपका ए और सी कैंसिल हो गए, ठीक है ई ए सी ये तो कैंसिल हो गए। अब कौन बचता है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी ये अच्छा है, फिजिक्स में भी ये अच्छा है और ड्रामेटिक्स में भी ये अच्छा है, मतलब कि आपका जहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा जिसमें बी होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए बी कहाँ है, बी कहाँ है हमारे पास, बी है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके तो ये था आपके क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो इस तरह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके चलो फटाफट से नोट करो और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको रीड करके फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से। हो गया रीड कर लिया, क्वेश्चन है आपके पास रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 6% गिवन है, क्या गिवन है 6%, और इन 6% में हमें कंडीशंस जो गिवन है उनको देखिए और उन कंडीशंस के बेस पर आप यहाँ पर पूरी चीज़ों को समझिए। यहाँ पर आपको 6% दिए हुए हैं ए से एफ तक, ईच ऑफ द टीचर टीच टू सब्जेक्ट, हर टीचर टू सब्जेक्ट टीच करता है, ठीक है सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और कौन सा नहीं पढ़ा रहा है और उन्हीं के बेस पर आपको अपने आंसर्स देने हैं, तो फटाफट से रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर हम हमारे आंसर्स के लिए रेडी होते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, टेबल रेडी करना होगा। टेबल रेडी करने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 6% है, कितने परसेंट है 6, तो ये देखो 6% रहेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट देख लेते हैं इनके पहले, तो 6% ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ, ये हो गए ठीक।
ठीक है। अब इनके सब्जेक्ट्स देख लीजिए, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब बिल्कुल हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ कहा गया है कि ईच टीचर कितने सब्जेक्ट टीच कर रहा है, टू सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स? टू सब्जेक्ट्स। ठीक है, वन तो क्या है उसमें कंपलसरी है और वन क्या है उसमें ऑप्शनल है। मतलब कि यहाँ पर पूरा पजल किया जाएगा, आपको पूरा कंफ्यूज हो गया कि ये कौन से को क्या किया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, तभी आपको अपनी जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड वो समझ में आने वाली है यहाँ पर। ओके, तो वन बाय वन हम यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और फिर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री फिजिक्स, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इंग्लिश है और मैथ्स है। ये सारे हमारे क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर हिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं हम, हिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश और केमिस्ट्री। ठीक है, अब एक तो कंपलसरी है और एक क्या है ऑप्शनल है। तो बिल्कुल इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा कंपलसरी है और कौन सा ऑप्शनल है, क्योंकि ये चीज आपको समझना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है अभी आपके लिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं सारी चीज़ों को, तो यहाँ से हम देखते हैं। मैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहले टेबल रेडी कर देता हूँ आपके, है ना। एक बार चेक भी कर लेंगे साथ में, है ना, चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ हमें यहां पर देखो कंडीशंस गिवन थी और इन कंडीशंस को हमने देखा और इन्हीं कंडीशंस के बेस पर हमने ये पूरे फेस को यहां पर कंप्लीट किया। अब आपको यहां पर सिर्फ आंसर देना है, व्हाट इज सी डैश कंपलसरी सब्जेक्ट्स। मतलब कि यहां पर हमारे पास देखो, पहले तो ध्यान से क्या बोला गया है, जो हमारा सी टीचर है, सी टीचर मतलब कि डी ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री, डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है। तो ये देखो, ये डी है आपके पास ये, और इसका सब्जेक्ट ऑप्शनल कौन सा है, हिस्ट्री है। क्लियर, इसी तरह से ओ से मीन है यहाँ पर, ओ से जो मीन है वो है आपके पास ऑप्शनल, क्या है यहाँ पर ऑप्शनल, और सी से मीन है यहाँ पर आपके पास कंपल्सरी। ठीक है, और सी से मीन है यहाँ पर कंपलसरी। ओके, अब आप आंसर दे दो फटाफट से, आपके सामने पूरा चार्ट रेडी है, फटाफट से आंसर दे दो। सी व्हाट सी इज कंपलसरी सब्जेक्ट, सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, सी, ये रहा सी, सी का कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, चलो नेक्स्ट देखो। Who is female member in the group? Female member कौन है इस ग्रुप में, फटाफट से बताओ, female member कौन है, female member, female member के लिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन है। D chemistry is the optional subject. The only female teacher in the school is English teacher. English teacher जो होगी वही क्या होगी यहाँ पर, female, मतलब कि English teacher का जो compulsory subject है, English teacher का compulsory subject है ना, मतलब कि कौन है, D. डी जो है यहाँ पर वो क्या है, फीमेल टीचर है। डी हमारे पास यहाँ पर फीमेल टीचर है, तो डी कहाँ है, डी हमारे पास है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज एफ्स। यहाँ पर आपको नेक्स्ट आंसर देना है और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंपलसरी सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोज ऑफ एफ। मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट्स और एफ की तरह यहाँ पर हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और किसके मिलने वाले हैं, फटाफट से बताओ,
फटाफट से, मेरे अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दिस ही आने वाला है क्योंकि ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, नन ऑफ दिस। चलो अब एक आंसर आपको देना है इसका, दिस रिगार्डिंग विच इज द कंपल्सरी एंड विच इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, हु हैज द सेम टू सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एज एफ। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से, फटाफट से। ऑप्शनल सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्जेक्ट, फटाफट से देखो कौन सा आपको एफ की तरह ऐसा टीचर मिल रहा है, फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यहां पर ये जो सी है ना, इसमें बात बन रही है, क्यों? क्योंकि देखो सी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है कंपल्सरी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ठीक है, और एफ एफ का कुछ भी नहीं रोल है वहां पर, ठीक है। इसी तरह से सी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मैथ्स है और इसका एफ का क्या है, ये कंपलसरी है। तो फटाफट से नोट करके बता दो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी पर सॉरी ई, सी पर कौन है, ई है, ई को चेक करो, ई को, ई कहाँ है, ई ये रहा ई, ई देखो जस्ट एक दूसरे के क्या है ये अपोजिट है, इसका जो कंपलसरी है इसका ऑप्शनल है, जिसका ऑप्शनल है इसका कंपलसरी है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए और सॉल्व कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हिस्ट्री एंड इज द कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब कि उन ग्रुप्स को आप बताइए हिस्ट्री और जिनका हिस्ट्री क्या है कंपलसरी सब्जेक्ट है, फटाफट से। हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट किस किस का है फटाफट से बताओ, हिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट ए का है, बी का है और सी का है, और किसी का नजर आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से बोलो ए बी और सी के अलावा हिस्ट्री किसी का कंपलसरी सब्जेक्ट नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा जिसमें ए बी सी तीनों ही होंगे, तो ए बी सी कहाँ है, ये रहे आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, नाइन क्रिकेट फैंस आर वॉचिंग ए मैच इन स्टेडियम, नाइन क्रिकेट फैंस है जो कि एक क्रिकेट मैच देखते हैं स्टेडियम में, सीटेड इन वन रो दे आर, और वो एक ही रो में बैठे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और कंडीशन हमें बताई गई है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, रो के सेंटर में कौन बैठा है, फटाफट से क्वेश्चन को देखकर आंसर बताओ मुझे, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं जल्दी से फटाफट बताओ। फटाफट से देख के बताओ मुझे क्या कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं यहां से, एक तरह से चेक करो फटाफट से क्या मैं सही लिख रहा हूं, फटाफट फटाफट से बताओ क्या मैं करेक्ट लिख रहा हूं, हाँ या ना, फटाफट से जल्दी से बोलो। अब देखो यहां पर मैं बता देता हूं, नाइन क्रिकेट फैंस है, कितने फैंस हैं, नाइन क्रिकेट फैंस। अब नाइन क्रिकेट फैंस का यहां पर जो सीटिंग है वो एक ही रो में है, लेकिन हमें बोला गया है कि आर इज एट द राइट ऑफ एम, आर जो है वो एम के क्या है राइट साइड में है। तो ये देखिए इधर चलेंगे तो लेफ्ट होता है और इधर चलेंगे तो राइट होगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एम अगर इस तरह से बैठा है तो आर कहां होगा राइट साइड में होगा, तो इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो इस तरफ होगा, ओके। फिर हमें बोला गया है एंड एट द थर्ड एट द राइट ऑफ एन, और राइट के थर्ड पोजिशन पर, राइट मतलब एन के राइट साइड में थर्ड पोजिशन पर है, ठीक है। के इज एट ऑन एंड ऑफ द रो, के जो है वो एंड में है, सबसे एंड में, ठीक है। क्यू इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ ओ एंड पी, मतलब क्यू जो है वो ओ और पी के एडजेसेंट सिटिंग है, मतलब कि इन दोनों के बीच में है। ओ इज एट द थर्ड प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ के, जो ए की पोजिशन है वो ओ की पोजिशन है वो के से थर्ड पोजिशन पर है लेफ्ट से।
जे इज राइट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ ओ, जे जो है आपके पास ये क्या है, नेक्स्ट है, राइट से नेक्स्ट है किसके, ओ के, ठीक है। तो ये लीजिए, अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई है यहाँ पर। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि हु इज द सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, रो के सेंटर में कौन बैठा हुआ है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने, फटाफट से बताओ। सेंटर देखो, फोर इधर से ले लो, फोर इधर से ले लो, कितने हो गए, एट हो गए, ये आ गया आपके पास सेंटर। सेंटर आया मतलब कि जे, जे कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करके बताओ इसे। हु इज एट द ऑर्डर एंड ऑफ द रो, फटाफट से बताओ। ये लीजिए ऑप्शन में दे दिया आपको, फटाफट से बता दो मुझे अब जल्दी से। फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, यहां पर हमें कंडीशंस गिवन है ऑलरेडी। हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, रो के सेंटर में कौन है, जे है। अब नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास हु इज एट द ऑर्डर, हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो, रो के अदर एंड में कौन है। देखो इस एंड में तो के है और इस एंड में एन है, इस तरफ आते हैं तो के और इस तरफ जाते हैं तो एन। तो देखो के है क्या यहाँ पर, नहीं है, के नहीं है मतलब कि एन जहां पर है हमारा वही ऑप्शन है। के भी होता तो कंफ्यूजन होता, या के और एन एक साथ होते तो वो करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर दोनों में से सिर्फ एक ही गिवन है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है हु विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। फर्स्ट देखो, एन इज टू सीट्स अवे फ्रॉम जे, एन जो है टू सीट्स अवे है जे से, ये एन, ये जे, जे से टू सीट्स अवे क्या, नहीं है, थ्री है, ये लो, तो फर्स्ट तो कैंसल हो गया। सेकंड पर आओ, सेकंड स्टेटमेंट पर, सेकंड स्टेटमेंट कहता है एम इज एट वन एक्सट्रीम एंड, एम जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर है, नहीं है, एक एंड पर तो के है और एक एंड पर एन है, मतलब कि ये दो तो क्या हो गए बिल्कुल यहाँ पर कैंसल हो गए। आर एंड पी आर नेबर, आर और पी ये दोनों पड़ोसी है क्या, फटाफट से देखो, आर और पी, ये रहा आपका आर, ये रहा आपका पी, क्या ये दोनों पड़ोसी है, नहीं है, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल रॉन्ग है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज वन पर्सन बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो आ जाओ देखो, एल देखो और ओ देखो, ये बिल्कुल है, ये आपका एल और ये आपका ओ, इन दोनों के बीच में कौन है, ये जे है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा, फटाफट से बोलो हाँ या ना, जल्दी से आया ना, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जल्दी से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है हमारे पास कि ईस्ट साइड में फेस करके यहाँ पर हमारे पास सेवन जो पर्सन है वो सिटिंग है, बैठे हुए हैं। ओके और इनकी कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन है कि कौन किसके एक्सट्रीम है, कौन किसके एंड है, आपको पहले इस कंडीशन को समझना है और उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर आंसर देने हैं जो कि आपको ये क्वेश्चंस है दो तीन इससे रिलेटेड। ओके तो फटाफट से नोट कर लो इन्हें जल्दी से फटाफट, क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा पूरा। ओके तो ये पांचों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके और एक क्वेश्चन ये हमारे पास और है इसी से रिलेटेड, तो ये आपको सॉल्व करना है यहाँ पर, है ना। तो अब आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।